बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने पहले से बनाए हुए किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं उसके कुछ टूल्स आपको सिखाए थे, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन वगैरह। और आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ और एडिटिंग टूल्स आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों आइए वक्त को जाया किए बिना अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहला टूल है आज के लेक्चर में जो कि एडिटिंग में ही आता है, विच इज कॉपी कट एंड पेस्ट का फीचर। तो दोस्तों कॉपी के माने होते हैं किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करना, और कट के माने होते हैं कि टेक्स्ट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिप्लेस करना, यानी एक जगह से टेक्स्ट को उठाकर, यानी कोई भी लाइन को उठाकर, किसी भी वर्ड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर देना। और यहाँ प्लेस करना ही दरअसल कहलाता है पेस्ट, विच मीन्स कि जो भी चीज आप कॉपी या फिर कट करेंगे वो कहीं ना कहीं पेस्ट भी तो करेंगे ही। अब आइए जानते हैं कि वर्ड में आप ये तीनों काम किस तरह करेंगे। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये है कि माउस के जरिए आप ये तीनों काम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, माउस की मदद से अपना कर्सर वहां प्लेस करें, देन फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिनमें जो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है कॉपी का। तो इस कॉपी के ऑप्शन के जरिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, यानी उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से रिप्लेस करना है, हटाना है, तो आप जिस फीचर का, जिस ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन है कट। और दोस्तों इसी तरह माउस के जरिए ही जिस टेक्स्ट को आपने कट और कॉपी किया था, अब उसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों जहां भी आपको टेक्स्ट को प्लेस करना है, यानी पेस्ट करना है, वहां कर्सर को लेकर जाएं, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो दोबारा आपके सामने इसी तरीके का एक मेन्यू ओपन होगा, और वहां पर आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा कट कॉपी के नीचे, विच इज अ पेस्ट ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट कट किया होगा, कॉपी किया होगा, वो उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, तो जब आप इस पर कट या फिर कॉपी करेंगे तो ये कट करने पर यहाँ से हट जाएगा, और कॉपी करने पर ये तो यहाँ मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी कॉपी भी जनरेट हो जाएगी, इसका डुप्लीकेट भी जनरेट हो जाएगा। अब आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करना है, तो आप दोबारा से यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा ही एक मेन्यू नजर आएगा आपको। उसमें से आप जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो आपका टेक्स्ट था, सिलेक्टेड टेक्स्ट था, वो अब यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये तो हो गया माउस के जरिए कट, कॉपी एंड पेस्ट करना। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कीबोर्ड की मदद से भी आप ये तमाम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्ड आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज प्रदान करता है जिनकी मदद से आप कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली कॉम्बिनेशन की है कंट्रोल प्लस सी, जो कि है कॉपी करने के लिए। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको ये जो एक टेक्स्ट है ये आपको कॉपी करना है, तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल की को और सी की को एक साथ आप दबाएंगे, तो जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे ये सिलेक्टेड टेक्स्ट अब कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप जहां चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की है वो है कट के लिए। यहाँ पर पेस्ट लिखा हुआ है लेकिन ये कट के लिए है। तो दोस्तों आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपको कट करना है आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और एक्स एक साथ आप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका ये जो टेक्स्ट है ये हट जाएगा, और अब आप काम करेंगे पेस्ट करने का। और पेस्ट करने के लिए जो आपको की फराम की जाती है विच इज कंट्रोल प्लस वी, यानी जब आप कंट्रोल और वी को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने वही चीज जो आपने कट या कॉपी की होगी आप आपके डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है कंट्रोल वी ये पेस्ट के लिए है और कंट्रोल एक्स कट के लिए है। अब आइए हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कॉपी करना सीखेंगे। तो ये आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले माउस की मदद से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले टेक्स्ट पर बात करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सबसे पहले अपने माउस की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें से सेकंड नंबर पर आपको कॉपी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप इस कॉपी पर क्लिक करेंगे, तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉपी जनरेट हो चुकी है, ये अपनी जगह पर मौजूद है, यानी अब इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर प्लेस करना चाहती हूँ, तो जहां भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, आप सिंपल अपने कर्सर को वहां पर लेकर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब कॉपी करने के बाद आपके पास कट या कॉपी करने का ऑप्शन दोबारा नहीं रहता, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, विच इज अ पेस्टिंग ऑप्शन। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेस्ट पर, तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स अब आपका वहां से वहां पर भी मौजूद है, यानी इसकी डुप्लीकेट जो कॉपी है वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप कॉपी और साथ के साथ पेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। इसी तरीके से अगर हम किसी लाइन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल उस पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और जहां भी हमें ये लाइन को पेस्ट करना है, हम वहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन में जो सबसे पहला वाला आपको बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी लाइन अब कॉपी होकर पेस्ट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कट एंड पेस्ट का। तो कट के माने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को अगर आप कट करना चाहते हैं, विच मीन्स कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं और उस जगह से हटाकर किसी और जगह आप उसको प्लेस कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करती हूँ और माउस के जरिए मैं इसको कट करना चाहती हूँ, तो आप पुराने जैसे आपने कॉपी में किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें टॉप पर आपको कट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, आप जैसे इसको कट पर क्लिक करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से मिट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए अब ये यहाँ से कट हो चुका है, विच मीन्स के कट के अंदर कोई डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होती, बल्कि वो वहीं से ही वो चीज मिट जाती है। अब आप सिंपल क्या करेंगे, आपको जहां भी इसको पेस्ट करना है, आप वहां पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने पेस्ट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करके इस इलेक्ट्रॉनिक्स को पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से माउस के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कीबोर्ड के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड के अंदर कॉपी करने के लिए की होती है कंट्रोल प्लस सी। देखें, सी फॉर कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी। तो अपने कीबोर्ड पर मौजूद अगर आपको सबसे पहले जो भी चीज कॉपी करनी है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल की और सी की को एक साथ प्रेस करेंगे। यानी सबसे पहले आपने कंट्रोल को दबाया और उसको दबाए रखते हुए आपने सी को प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आपने सी को प्रेस किया, अब इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। अब आप इसको जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने कर्सर को वहां पर लेकर जाएंगे और आप वहां पर पेस्ट करने के लिए क्या की मैंने आपको बताई थी, पेस्ट करने के लिए है कंट्रोल वी। तो आप सीधे कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल की को प्रेस करते हुए वी को प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो अब पेस्ट हो चुका है। यानी कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया और कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर दिया। अब हम इसी टेक्स्ट को कट करते हैं कीबोर्ड के जरिए, तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स को एक साथ दबाएंगे। दोस्तों याद रखिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट और कंट्रोल एक्स कट के लिए है। तो आपने कंट्रोल की को दबाया और उसको दबाए रखते हुए आप एक्स को प्लेस दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था वो कट हो चुका है, हट चुका है। अब जहां भी हमें उसको पेस्ट करना है, हम वहां पर क्या की प्रेस करेंगे, आप लोग बताइए। हम वहां पर प्रेस करेंगे कंट्रोल वी को, क्योंकि पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की हमें वर्ड डॉक्यूमेंट देता है वो है कंट्रोल वी। तो कंट्रोल को दबाते हुए आप वी को भी जब प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब आपका टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। तो ये वो तरीके कार थे जिनके जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट, लाइन और पैराग्राफ्स को कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस का फीचर। तो दोस्तों अगर आप अपने एक डॉक्यूमेंट में जिसमें एक
एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस मौजूद हैं और उस डॉक्यूमेंट में आप किसी एक वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्ड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है फाइंड का। और इस फाइंड के फीचर के जरिए आप ना सिर्फ वर्ड्स को तलाश कर सकते हैं बल्कि वो वर्ड जितनी बार भी आपके डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हुआ होगा तो आपका वर्ड प्रोसेसर उस एक वर्ड को हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। यानी जितनी दफा भी वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यूज हुआ होगा वो वर्ड प्रोसेसर आपके उस वर्ड को किसी भी कलर से हाईलाइट करके आपको दिखा देगा, जिसके जरिए आप ये तलाश कर लेंगे कि वो वर्ड कहाँ कहाँ आपके डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी वर्ड को आपको लगता है कि वो वर्ड आपने सही नहीं लिखा और उसकी जगह कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं तो वो ज्यादा सुइटेबल होता है। यानी एक वर्ड आपने लिख चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप उससे भी अच्छा वर्ड वहां पर यूज कर सकते थे, तो अगर आप उसको वहां से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए भी वर्ड डॉक्यूमेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक फीचर प्रदान करता है विच इज अ रिप्लेस फीचर। दोस्तों इसको मैं वर्बली बताऊं, इससे बेहतर ये है कि आइए हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों फाइंड और रिप्लेस का जो फीचर है ये आप सबसे पहले होम पर जाएंगे, होम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा और सबसे ज्यादा राइट साइड पर यानी इस जगह पर आपको तीन चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे जिनमें पहला ऑप्शन है फाइंड का, उसके नीचे है रिप्लेस का। तो दोस्तों आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी वर्ड को अगर तलाश करना चाहते हैं फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इस फाइंड पर जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आपके लेफ्ट साइड पर ही एक नेविगेशन खुल जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि आप कौन से वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तलाश करना चाहते हैं। आप वहां पर सबसे पहले लिखेंगे जिस भी वर्ड को आप तलाश करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर को तलाश करना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी दफा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आपको बताएगा यहाँ पर सब कुछ कि 97 दफा आपका कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ है और बाकायदा तमाम लाइंस जिनमें कंप्यूटर यूज हुआ है वो तमाम लाइंस भी आपको दिखाएगा। और साथ के साथ ये देखिए ये हाईलाइटेड चीजें भी आपको दिखाएगा, जहां जहां ये कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ होगा उसको इस तरीके से येलो रंग से हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका वर्ड प्रोवाइड करता है वो है रिप्लेस का फीचर। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इन नजर आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पर जहां जहां मैंने इन लिखा है वहां पर दा होना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे आप इस रिप्लेस पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो बार्स खुल जाएंगे, पहले बार में लिखा होगा कि भाई आपको किस चीज को रिप्लेस करना है, तो आप वहां पर लिखेंगे कि मुझे इन को रिप्लेस करना है। दूसरे में लिखा हुआ है कि आपको उस इन को रिप्लेस किस वर्ड से करना है, तो आप लिख देंगे मुझे इसको दा से रिप्लेस करना है। और फिर आप क्या करेंगे आप रिप्लेस ऑल पर, क्योंकि जहां जहां अगर आपको जहां जहां रिप्लेस करना है तो अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा ऑल डन वी मेड 622 रिप्लेसमेंट्स। यानी आपके इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां ये इन मौजूद था हमने वहां से इसको दा में रिप्लेस कर दिया है और टोटल 622 प्लेसेस पर ये इन मौजूद था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फीचर कितना कारामद है आपके लिए और कितनी आसानी से आप किसी भी वर्ड को तलाश कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोस्तों फाइंड और रिप्लेस करने के अलावा जो अगला फीचर आपका वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है वो है प्रीव्यू प्रिंट एंड ग्रुप प्रिंट का। तो दोस्तों अक्सर हमें अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है जिसकी वजह से आपको जरूरत पड़ती है उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की, तो इस जमरे में भी वर्ड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है विच इज अ प्रीव्यू फीचर, जिसके जरिए आप प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा वो आप प्रिंट करने से पहले ही देख सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो एक वक्त में एक पेज प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए दे दें या फिर एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट भी प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए दे सकते हैं, यानी ग्रुप की शक्ल में भी पूरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब आइए हम आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जो कि आपको प्रिंट करवाना है, यानी इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप सिंपल फाइल के मेन्यू पर जाएंगे, जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसके अंदर आपको प्रिंट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये जो आपको पेजेस नजर आ रहे हैं ये है आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू, यानी आपका डॉक्यूमेंट
प्रिंट होने के बाद किस तरह दिखेगा वो आपको यहीं पर ही आपका वर्ड प्रोसेसर आपको दिखा देगा। इसके अलावा आप अगर एक वक्त में एक डॉक्यूमेंट यानी एक पेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस फीचर के थ्रू यानी प्रिंट वन साइडेड के जरिए कर सकते हैं। अगर तमाम पेजेस को एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो आप प्रिंट ऑल पेजेस के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीकेकार था, ये तमाम वो फीचर्स थे जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है आपके प्रिंटिंग मैकेनिज्म को आसान बनाने। इसके बाद जो एडिटिंग से रिलेटेड नेक्स्ट फीचर आपको आपका वर्ड प्रोवाइड करता है वो है फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर बुक्स वगैरह में इस तरह के नोट्स लिखे हुए देखे होंगे जो कि पेज के सबसे बॉटम पर यानी आखिर में आपको नजर आएंगे और इन्हें फुट नोट कहा जाता है, जिसमें अक्सर किसी भी वर्ड की मीनिंग लिखी होती है, कोई बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है और इसको अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह आप इंसर्ट करवा सकते हैं ये चीज हम आपको अभी सिखाएंगे, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों अब आपको अपने डॉक्यूमेंट के एंड में कोई भी नोट लिखना है, कोई भी छोटा सा नोट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अर्ली के मीनिंग लिखने हैं या फिर आपको एंशियंट के मीनिंग कुछ लिखने हैं, यानी आपको कोई भी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देनी है तो आप वो फुट नोट के जरिए उस डॉक्यूमेंट के एंड में या फिर उस पेज के एंड में दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फुट नोट आपका आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड प्रोसेसर आपको कहाँ से फराहम करता है। आप सबसे पहले मेन्यू बार के अंदर रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे और रेफरेंसेस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट नजर आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आया आप क्या फुटनोट अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी प्रेस करके आप अपना फुटनोट या फिर एंड नोट आप यहाँ पर इंसर्ट करके बना सकते हैं। दोस्तों ये तरीकेकार था कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से फुटनोट और एंड नोट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद है अंडू एंड रीडू फंक्शन। तो दोस्तों कभी भी आप कोई काम कर रहे होते हैं और गलती से कुछ डिलीट कॉपी या पेस्ट हो जाता है तो आप अगर इस तरह आपसे कुछ हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो वर्ड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है अंडू का, जिसके जरिए जो भी पिछला स्टेप आपने अपने डॉक्यूमेंट में किया होगा वो उसको अंडू कर देगा, वो उसको वैसे ही कर देगा जैसे वो पहले था, यानी उसको हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड डिलीट कर दिया और आपने सोचा कि ये तो डिलीट नहीं होना चाहिए था, तो आप जैसे ही अंडू का बटन प्रेस करेंगे वो डिलीट हुआ हुआ वर्ड दोबारा से उसी जगह पर आपको नजर आ जाएगा, यानी जो भी काम आपने किया होगा वो अन कर देगा, यानी उस वाले काम को हटा कर जो पिछला काम आपने किया था वो कर देगा। इसी तरीके से रीडू का भी फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अंडू का बटन दबाकर जो भी वर्ड आपने डिलीट किया था वो आप वापस लाना चाहते हैं, तो इस तरह अगर आप रीडू का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से वो वर्ड डिलीट हो जाएगा, यानी जो भी आपने पिछला काम किया था वो री कर देगा, यानी दोबारा से वही काम कर देगा। अगर आपने डिलीट करके उसको अंडू कर दिया था तो वो दोबारा से आपका, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड आपको फीचर नजर आ रहा है तो आपने सबसे पहले गलती से आपसे डिलीट हो गया तो आपने सोचा कि यार ये तो मुझसे गलत हो गया, तो आप ये अंडू का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये फीचर्स का वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप अंडू करने के बाद रीडू करेंगे तो यहाँ से ये वर्ड दोबारा से डिलीट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, और जरूरी नहीं है कि ये इन दो बटन्स के जरिए भी होता है, ये कॉम्बिनेशन कीज के जरिए भी होता है, आप कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के जरिए आप कंट्रोल प्लस जेड, यानी जब आप किसी भी जब आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद रहकर कंट्रोल और जेड के बटन को अपने कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल और जेड के बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये अंडू कर देगा, अंडू का फंक्शन परफॉर्म करेगा, और कंट्रोल प्लस वाई यानी कंट्रोल के बटन को और वाई के बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये रीडू का फंक्शन करेगा। किस तरीके से, आइए इसको हम आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपके एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं, अब हम यहाँ से किसी भी वर्ड को डिलीट करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ टॉप पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बटन आपको नजर आ रहा है जो कि लेफ्ट जानब जिसका एरो है ये कहलाता है अंडू का बटन, और ये जो राइट जानब जिसका एरो है ये कहलाता है रीडू का बटन। तो आप देखिएगा कि अंडू का बटन क्या करता है, आप सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, यानी आपने एक फंक्शन परफॉर्म किया। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस वर्ड को डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि जो आपका जैसे पुराने चीज थी बिल्कुल वैसी ही रहे तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो डिलीटेड टेक्स्ट था वो वापस आ जाएगा, ये देखिए ये मैंने इसको क्लिक किया
और ये एवरीथिंग अपनी जगह पर वापस आ गया। यानी अंडू का मतलब होता है कि जो भी काम आपने किया था ये उसको वहां से अन कर देगा, हटा देगा। अन के माने होते हैं नहीं के, तो उसको आपके स्टेप को जो पुराना वाला स्टेप था उसको वापस ले आएगा। यानी ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। और रीडू का क्या करता है, रीडू का बटन जो भी काम आपने किया था उसको री कर देता है, दोबारा कर देता है। अब ये देखिए, अब आपने इससे पीछे क्या काम किया था, आपने इसको डिलीट किया था। तो देखिए जैसे ही मैं रीडू का बटन प्रेस करूंगी अब ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी काम आपने किया होगा अपने डॉक्यूमेंट में, डिलीट किया होगा, पेस्ट किया होगा, कॉपी किया होगा, तो अन करते करते ये पीछे की तरफ जाएगा, काम को आपके पीछे की तरफ लेकर जाएगा, और रीडू करते करते ये काम को आगे की तरफ लेकर जाएगा। और ये दोनों काम आप कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड के जरिए भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका वर्ड प्रोवाइड करता है, प्रॉफ रीडिंग एंड थिसॉरस। तो दोस्तों अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कुछ और इनहांस फीचर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पेलिंग चेकर, ग्राफ ग्रामर वगैरह चेक करने का। यानी अगर आपने किसी वर्ड की किसी वर्ड की स्पेलिंग को गलत कर लिख दिया है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है स्पेलिंग को चेक करने की। यानी वो स्पेलिंग चेकर के जरिए आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम वर्ड्स की स्पेलिंग को चेक करेगा, और जो भी वर्ड आपने गलत लिखा होगा, जिसकी स्पेलिंग आपने गलत लिखी होगी, तो वो उसको आपको हाईलाइट कर देगा। और हाईलाइट करने से आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी मिस्टेक है, और साथ के साथ आपको उसकी सही जो स्पेलिंग होंगी वो भी बताएगा। किस तरीके से, अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और फीचर है, विच इज थिसॉरस। तो दोस्तों इस फीचर के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी वर्ड का सिनोनियम यानी मुतरादिफ चेक कर सकते हैं, यानी उस जैसा मीनिंग जो भी होगा वो आप चेक कर सकते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक जो सबसे पहला फीचर है जो कि वो आपको प्रोवाइड करता है, वो ये है कि जो भी मिस्टेक, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक आप अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं वो उसको हाईलाइट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको रेड मार्क्स कई जगह पर नजर आ रहे होंगे, जगह जगह आपको रेड मार्क्स नजर आ रहे होंगे, तो ये जो रेड मार्क है ये आपको बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। अब आपको पता लग गया है। अब साथ के साथ ये फीचर भी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह इस स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे और रेफरेंसेस में सॉरी आप रिव्यू के अंदर जाएंगे, और रिव्यू के अंदर सबसे पहला जो आपको मेन्यू में नजर आएगा ऑप्शन वो नजर आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये आपको इस वर्ड की सही स्पेलिंग बता रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड की सही स्पेलिंग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फीचर ये आपको फराहम करता है वो है थिसॉरस का। दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर के बराबर में आपको एक और बुक बनी हुई नजर आ रही है। जब आप अपने किसी भी लफ्ज को सिलेक्ट करेंगे इसका सिनोनियम जानने के लिए, सिलेक्ट करने के बाद आप इस थिसॉरस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, सॉरी इसे बोल दिया कि यहाँ पर इसकी कोई अवेलेबल नहीं है सिनोनियम। तो अगर आप किसी भी वर्ड का सिनोनियम जानना चाहते हैं जिसका ये जो वर्ड है इसका सिनोनियम अगर इसकी डिक्शनरी में होगा तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं सिंपल, तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल के बहुत सारे सिनोनियम्स आपको यहाँ पर नजर आ गए हैं। और अगर ये इसकी डिक्शनरी में मौजूद ये वर्ड नहीं होगा तो ये आपको बता देगा कि ये मेरी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी वर्ड का मुतरादिफ यानी सिनोनियम भी जान सकते हैं, किसी भी अपनी स्पेलिंग्स को स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपनी सीरीज वगैरह दे रहे होते हैं, जब भी आप अपने टीचर को असाइनमेंट सबमिट करा रहे होते हैं, तो स्पेलिंग्स और ग्रामर का सही होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों ये वो तरीके कार थे, ये कुछ एडिटिंग टूल्स थे जो कि आपको आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ ये तमाम एडिटिंग टूल्स कंप्लीट हुए जो कि आपकी बुक में भी मौजूद थे और जो कि वर्ड आपको प्रोवाइड करता है। वैसे तो लाखों एडिटिंग टूल्स हैं लेकिन हमने कुछ आपको सिखाए हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेटिंग टूल्स सीखेंगे कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग करके उसको और इनहांस और खूबसूरत बना सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।